नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राजेश टिप्स यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वीवो फ़ोन Y15 के बारे में। आज मैं वीवो Y15 की ऐसी एक सेटिंग बताने वाला हूं, जैसे कि आप यूट्यूब वीडियो देखते हैं और आपको कोई मैसेज करता है व्हाट्सएप पे, तो आप यूट्यूब वीडियो को बंद करके फिर व्हाट्सएप में जाते हैं और उसका रिप्लाई देते हैं। तो मैं आज आप लोग को ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, इससे आप वीडियो देखते ही आप व्हाट्सएप का रिप्लाई कर सकते हैं बिना अपना वीडियो बंद किए हुए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यूट्यूब में जाता हूँ और यूट्यूब में कोई भी एक वीडियो मैं प्ले कर दे रहा हूँ सैम्पल के तौर पर। तो चलिए मैं यूट्यूब पर एक वीडियो सर्च कर ले रहा हूँ और यहाँ से मैं एक वीडियो प्ले कर ले रहा हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने इस वीडियो को प्ले कर लिया है और मैं इसका आवाज़ बंद कर दे रहा हूँ। अब दोस्तों, हमको व्हाट्सएप पे किसी के साथ चैटिंग करनी है तो उसके लिए सिंपल तरीका है हमारे पास दोस्तों। वीवो फ़ोन के मोबाइल के अंदर आपको अपने स्क्रीन पर 3 उंगली रखना है। जैसे आप स्क्रीन शॉट लेते हैं उसी तरह से आपको 3 उंगली को स्क्रीन पर रखना है और उसको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। जैसे आप नीचे की तरफ खींचेंगे तो देख लीजिए एक ऐसा फीचर आ जाता है। अब आपको यहाँ पे सैंपल दोस्तों अपना व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है और किसी के साथ भी आप मैसेज बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों, कमाल का ट्रिक, काफ़ी लोगों को नहीं पता था और इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है ताकि आप लोग को भी पता चल जाए। ये ट्रिक सिर्फ वीवो फ़ोन में है, आप वीवो फ़ोन चलाते हो तभी ये ट्रिक काम करेगी, बाकी अदर फ़ोन में मालूम नहीं। लेकिन वीवो फ़ोन में, वीवो Y15 में ये सेटिंग काम करती है। अब इस तरह इस सेटिंग को ऑन करने के बाद आप किसी के भी साथ यहाँ से मैसेज कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं और ऊपर वीडियो चलता रहेगा आपका यूट्यूब का और नीचे आप किसी के साथ चैटिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं।